you are the problem. एक प्रश्न एक आदि. But how are the BJP says they are going to separate this? What do you want? क्या? BJP says that you are separatist. But the ज़ाहिर, ज़ाहिर, BJP at the national conference. ज़ाहिर, ज़ाहिर. तंग नजर ज़ाहिर ने मुझे काफ़र समझा, काफ़र समझता है मुसलमान. मैं एक रुक जाया. मुझे एक चीज बताइए. If speaking truth amount to separatism, I am a separatist. One. ये ना साल में MLA रहे, आप साले कवर करते थे. For 11 years, कोई एक वर्ड आप दिखाएं जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ एसेंबली की प्रोसीडिंग से. कोई एक FIR जहां यहां मेरे खिलाफ लगी हो. अगर मैं सेपरेटिस्ट हूं तो फिर सारा नॉर्थ कश्मीर सेपरेटिस्ट बन गया और आगे साउथ और सेंटर भी बनेगा. अभी इब्तदाई इश्क है, रोते हैं क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या. तो बाई सेइंग दैट उनको देखना चाहिए कि वो किसका काम कर रहे हैं. इंजीनियर रशीद, यू आर सर इन पास्ट 5 इयर्स कैंडिडेट्स अगर आपके मेजॉरिटी कैंडिडेट्स ने इलेक्शन जीत लिया, सपोज असेंबली इलेक्शन, आप अपोजिशन में रहेंगे या सरकार में जाएंगे? उनकी किस्मत कश्मीरियों की कहां होगी? ऐ मेरे रब, वो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे. वो एक तारीख का सुनहरी बाब होगा, तब मोदी जी को बात पता चलेगी कि मुझे किस बंदे से काम पड़ा है. मैं नहीं कहता हूं मैं कोई 30 बार खा लू, बट आई नो हाउ टू बार्गेन थिंग्स एंड आई नो हाउ टू टेक थिंग्स लॉजिकली. दुनिया देखेगी. आई वांट टू टेक दिस बैटल आउट फ्रॉम कश्मीर. अब मैं MP हूं दिल्ली में, कुछ कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा बहुत जगह मिलेगी. ये सारे MLA लेके हम वहीं बैठेंगे, क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. बट आई अश्योर यू वी विल डू समथिंग जो कश्मीरियों के जहन में भी नहीं हो. आपने क्या इंक्लूड करना चाहता हूँ? आपने बोला कि जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अभी आपने उठाए हैं उसमें बड़ी तादाद आप लोगों की है. यहाँ पर तो पार्टीज में रहकर भी जो MLAs बनते हैं वो भाग जाते हैं. इंडिपेंडेंट होकर क्या गारंटी आपको कि वो कल आपके साथ रहेंगे? वंडरफुल, आपने सही बात की. पहली बात यह है कि हमारे कैंडिडेट एक मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज AIP एक फोर्स है जिसको घर का नाम है. नो डाउट टेक्निकली वी आर इंडिपेंडेंट. फिर जो आपने कहा गारंटी क्या है, गारंटी ये है कि 5.5 साल जिंदगी जेल में रहा. अमित शाह जी 15 मई को दिल्ली से, स्पेशली अगर आपको याद होगा, पोलिंग से 5 दिन पहले यहाँ आए और अगले दिन नॉर्थ कश्मीर के मेरे सारे परमिशन कैंसिल करवाई. मेरे 300-400 लोगों को बंद रखवाया मुख्य खानों में. UAPA हमारे जो टंगबर का कंडेट है आदर नजीर, उसका UAPA लगा दिया. लेकिन उतना करने के बावजूद भी लोगों ने हमें वोट दिया और वो वोट तब कैडर मैच हो जाए. मेरे पास कैडर था, वो कैडर जो मेरी तरह ना झुकने वाला था ना बिकने वाला था. इसलिए मैंने अपने सारे कैंडिडेट से ओस भी लिया एंड बी एश्योर्ड दे आर विद मी, दे आर विद पीपल्स काज. एक सेकंड वहां वो इसलिए भागे क्योंकि मुझे बताइए फर्क क्या था. MC, BJP, PDP, PC, कांग्रेस एक ही खेल के चित्ते बेटे. इधर भी कभी यूज़ साहब है. In your absence in the 5 year jail, अरविंद मकतूमी साहब हैं. जी जी. सलाम अलैकुम. In your absence in 5 years. जल्दी नमाज़ सलाम में चले जी का. सलाम उसे सुरक्षा बदल दो आस. मैं सवाल कर वो. In your absence in past 5 years in Tihar jail, BJP has every month stated that there are high tourist arrivals, there are no bullets being fired on civilians, there are no protest killings. God, it is their Naya Kashmir. How do you view to counter this narrative? If this is their Naya Kashmir, मुझे उनकी अकल में बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है. मुझे एक चीज बताइए आप, क्या कश्मीर, अमित शाह जी बार बार कहते हैं, अब देखिए कश्मीर में किसी ने कंकर उठाने की हिम्मत नहीं है. ऐसे कह रहे हैं जैसे हर कश्मीरी सुबह नमाज पढ़ने के बाद घर से पत्थर लेके निकलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो उनकी छाप हो पाता है. तो इशू इज नॉट वेदर कश्मीर इज नॉट टेल्स ट्रूथ, इशू इज व्हाई आर कश्मीर इज टेल्स ट्रूथ. जब उन्हें फिर लगा कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, फिर उन्हें स्कूल बैठने के बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया, फिर सोशल मीडिया पर बैन हुआ और आज लगा इंजीनियर रशीद हमारे लिए है 60% पूरी. तब जाके अब ये कह रहे कश्मीर में वोट डाल रहे लोग. इसलिए उनका नया कश्मीर बिल्कुल दैट हैज बीन डेशुकर. नया कश्मीर हम बनाएंगे जिसमें कश्मीर का मसाला हो. कश्मीर कश्मीरियों का है, लखनपुर से बराबर गिलगित बाल्टिस्तान तक सारा जम्मू कश्मीर हमारा है. कश्मीर सरजान बरकाती की बेटी जो है उन्होंने आपसे गुजारिश की थी कि इंजीनियर रशीद जो है वो उनका सपोर्ट करे ताकि उनका बाबा भी जो है वो जेल से बाहर आ जाए. क्या इंजीनियर रशीद सुरगा बरकाती को सपोर्ट कर सकता है या करेगा? एडिशन शी वांट्स टू कंटेस्ट हर फादर टू कंटेस्ट फ्रॉम लंगे. विल यू सपोर्ट हर? मुझसे ज्यादा जेल में बैठे बंदे का दुख को दर्द कौन समझ सकता है?
दूसरी बात यह है आई एम द ओनली पॉलिटिशियन ऐसी अथॉरिटी, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, जब वो गिरफ्तार हुए मैं मुझे कहा गया उनके फैमिली। तीसरी बात यह है अगर वो हमें पहले अप्रोच करते हमने पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिए थे, देर आर मेनी थिंग्स, और उनने पहले ही दो जगह से भरा था गांधरबल से और क्या कहते हैं से, लेकिन जहां तक उनकी राय का सवाल है उसके लिए मुझे अपनी इज्जत अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े। आई विल डू इट। आगे का सवाल इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया, मैंने कह दिया जवाब, इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया कि मैं मोदी के साथ तब हाथ मिलाऊंगा जब वो गारंटी देगा मुझे कि मेरे दुश्मनों को हल करेगा। डू यू हैव ट्रस्ट कि वो ये चीज करेगा और इस तरह का वादा आपको मिलेगा? मैंने कहा ताकि मुझे ट्रस्ट है, देखिए आई हैव टू ट्राई मैं और मेरे मेरे पास कुछ पावर आए ना 5.5 साल इसलिए बंद रखा, उनको खौफ है कि ये मतलब पता नहीं ये तो बोलेगा पार्लियामेंट में। मैं वहां क्या था पार्लियामेंट में, मुझे नेहरू जी सपने में आए थे, उन्होंने मुझे कुछ कहा वो सारे अलर्ट हो जाते। मैं कहता राहुल बाबा आपके दादा जान मुझे मिले, कहते क्या कहा, मैं कहता था वो कहते कि मैंने कश्मीर के सब वादे किए थे पूरे नहीं हुए। तो अंडरस्टैंड थिंग्स, आप मुझे जानते हैं, आई नो हाउ टू डील थिंग्स, क्योंकि आई एम ए सेल्फलेस पर्सन, मैं अपनी प्रॉपर्टी का अपनी हर चीज का हिसाब दे दूंगा, क्या बाकी लोग दे देंगे? चार्जेस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, काश बोल सकता तो आप रो पड़े, आप इस गर्मी के बावजूद यहाँ बैठे। अनिल नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगर अगर इंडिया नाजी गवर्नमेंट का मेजॉरिटी आप आज और प्राइस भी सेम है कि नो सपोर्ट फ्रॉम एआईटी जितने भी है मैंने सर, मैं कोई बड़ा आदमी हूं नहीं, कल मोदी की सरकार गिर भी सकती है, अगर राहुल गांधी एक मिनट उमर साहब का एजेंडा है ना, वो पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे झूठा ही सही, वो एजेंडा है कि हम 370 बहाल करेंगे, लेकिन सरकार गिर के साथ बनाई है कांग्रेस के साथ, अगर इंडिया अलायंस आज भी हमें ये एश्योर करें आज भी कल भी परसों तक बल्कि पोलिंग के दिन तक, गौर से बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, अगर इंडिया अलायंस ये कहेगा कि हम आर्टिकल 370 को जैसी पार्लियामेंट में हमारी सरकार आती है वापस कर लेंगे, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर कर कहता हूँ मैं अपना एक एक कंट्री से कहूँगा मेरा एक एक वोट इंडिया अलायंस के कैंडिडेट होगा। सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आपने किया नहीं, भाजपा के अंदर कई बड़े बड़े नेता जो है भाजपा में शामिल हो चुके हैं, क्या आप पर आगे तक कोई ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाए? मैं 5.5 साल जेल में रहता, आप समझ गए ना, एक मिनट, आप तो सारा समझ गए 5.5 साल, मैं तो जेल में था, एक मिनट, मुझ पर क्या दबाव करेंगे, जब हम कभी झुके नहीं बिके नहीं तो हमसे आएंगे क्या, इसीलिए क्या था उनसे हम आपके हैं कौन, मैं इसीलिए कहता हूँ डरो मत डराओ मत, ऐसा कुछ नहीं। जनरल साहब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, आप बड़ा बताइए, आपको ये छोटा बताऊंगा, आप बता रहे हैं कि डर नहीं डरना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैं 5.5 साल जेल रहा, यहाँ पर बाकी लीडर्स को भी सताया गया, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपरस्त है फारूक अब्दुल्ला, उनको भी ईडी की समन्स मिली है, अगरचे उनको नजरबंद घर में ही रखा गया, तो आप कैसे, क्योंकि आपका सारू का तो मंशूर एक ही है 370 की बहाली, फिर सस्पेंशन क्यों? मेरा वही है, नहीं मेरा उसे उसके आगे मेरा मंशूर बहुत बड़ा है, और जो उमर साहब मैडम हम पर एक कीचड़ उछालते हैं उस उन सवाल उसमें बड़ा, मेरी लड़ाई पीडीपी और एनसी के लोगों के लिए भी है, और आप बीइंग ए पार्ट ऑफ कश्मीरी नेशन आई कैन नॉट एग्जॉनरेट एनसी पीडीपी, आई लव देम, आई रेस्पेक्ट देयर वोटर्स, लेकिन बेचारों को क्या पता कि फारूक साहब को कैसे ही पता था 370 अगर आपको याद होगा जहाँ हो गया सस्पेंशन हो गई, दो दिन पहले मिले एनसी के एमपी प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर साहब ने की, इफ यू रिमेंबर, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने शुअरिटी दे दी कि ये सब नहीं हटाएंगे, जब वो कहा था कि हम हटा रहे हैं लेकिन आपको घर में एस के एस में रखेंगे, जो आपने कहा कि उन पर इतना बस आपका ये था कि मुझ पर जाती क्यों, जी था मैंने कहा कि आप पर भी वही बीती है जो उन पर बीत रही है, या उन पर जो बीत रहे आप पर भी, आप जेल में थे उनको सताया गया बाहर, तो जवाब उसमें 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 बाकी लीडर्स की अगर बात करेंगे चाहे वो सिटिंग सीएम हो शिबू सोरेन हो या थप्पड़ मारने में और गोली मारने में कोई फर्क ही नहीं, ऐसे ऐसी से उनको रखा, हिंदू की रिपोर्ट मुझे आज गिरा रखी, लड़ाक साथ यहाँ होंगे 3,60,00,000 रुपया 4 महीने के लिए उन सभी राज्यों पर खर्च हुआ पालने के लिए, वहां पर 5 अगस्त से 9 नवंबर तक
और मैं तिहाड़ जेल में एक सूखी रोटी के लिए तड़पता था। हाउ आर यू कंपेयर टू एप्पल्स विद ऑरेंजेस? सब तिहार और एसटीआई में कोई फर्क नहीं। आई फील सॉरी, ये तो मेरी कुर्बानी के साथ जाती है। सॉरी इंजीनियर साहब, सर यू फील नाउ दैट एआईपी इज एन अल्टरनेट फॉर द कश्मीरी पीपल हु वर नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी? आपको अभी भी शक लग रहा है इस तरह से? मैंने अभी भी तो उस जल्दी के झटके लग रहे हैं। मोदी जी की कुर्सी हिल रही है, 2,10,000 वोट के हरा गए। कश्मीर ने दिखा दिया कि जो पब्लिक है सब जानती है कब क्या करना है, वो तो जानते हैं अच्छे से। अली अली मनोहर सर, आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, हमसे मुश्किल से 150 किलो। मुझे ये मत कहिए राहत बशीर सुहा का है, आमिर गोजरी इधर 5-6 में रहते हैं, पीर सैफला दिनानी साहब के जो सीनियर लीडर वो भी उसी वार्ड में है, नई मोहम्मद खान अयाज अकबर अब्दुल गुरु साहब और मुकुल भट्ट साहब की का मकबरा हमारे सेल से मुश्किल से 150 बोल रही है। आपके नाम पे वोट वहाँ पे मांग रहे हैं तो वोटों पे डिविजन होगा और एक बार फिर वही सूरत हाल होगी जो 2014 में हुई थी। एक सेकंड बताइए, क्या मैंने दुनिया का ठेका लिया है? मरूं मैं जेल में मैं रहूं, अब मैं ये परेशान हो जाऊं, उमर साहब और मैं रंगा क्या होगा, तेरा क्या होगा? उमर साहब है ना वो जम्मू और कश्मीर के वोट का डिवीजन का है। मैं उमर साहब या महबूबा जी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, आपके सारे उम्मीदवार कश्मीर में है, जम्मू में आपका कोई उम्मीदवार नहीं। क्या सेपरेटिस्ट के तौर पर प्रोजेक्ट करके बीजेपी जम्मू में गेंद? समझ गया, अगर ऐसा कुछ होता, अगर मुझे उनको हेल्प करनी होती तो जम्मू के मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन का मैं भी कैंडिडेट था, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाता। हमने इसीलिए नहीं उठाई ट्रस्ट में कि ये लोग यही कहेंगे, उन्होंने फिर भी कहा, आज मैं पछता रहा हूँ, मैंने डोडा कश्तवाड़ वहाँ भी क्यों नहीं खड़ा किए। आई डोंट थिंक देयर एनीथिंग, मतलब उसने कोई बनता ही नहीं है कुछ खाओ कहने से, और मेरा और उनका आसमान और जमीन का फर्क है। अली मनोहर क्या कश्मीरी कैदियों की रिहाई का दूसरा रास्ता इलेक्शन बन गया? नॉट एट ऑल। इलेक्शन में अगर अच्छे लोग आएंगे वो कर सकते हैं। पहले भी तो इलेक्शन होते थे, पहले भी लोग आते थे। सवाल ये है कि वी नीड क्रेडिबल वॉइसेस हु कैन स्पीक सिंसियरली फॉर राइट्स। सर 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 देखिए, लेट मी नॉट लेट अस आंसर इट विद डबल्स, लेट मी आंसर इट। मैंने किया इसका जवाब पहले, अब आपको हेडलाइन चाहिए, यू वांट टू डाई हेडलाइन। एक मिनट, मैं क्या कैमरा की तरफ कैमरा सब कुछ रुसूल खुदा है बाबू तो आवाज के मुस्कुरा वो मैच दे उमर सुबह बना लोग जगह सो पे ही चल मस्त मस्त मैच पाई फन से क्या सुध दिया सदा हो गया क्या से कहीं कैसे बना दर्शन से मगर का कैसे कर ये तो जाम राशि हां तो शेना बता सर इधर कैमरा की तरफ। अरे बात तो सवाल उन्होंने तो आप ही करते हो ना, सुना कैसे जाम चलिए मैडम सॉरी मुझे कह रहे हैं सर देखिए तो जो मैडम ने सवाल किया मैं कहता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके वाले बिल्कुल यहाँ आके हमारे साथ मानना चाहते हैं, कहा कि नहीं कहा इतना कहिए आप कहा ना। उसके बाद अमित शाह जी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा, अब इंडिया इज द लास्ट डेमोक्रेसी सही है, तो उसका डेमोक्रेटिक तरीका है पीओके के लोगों से पूछा जाए यहाँ आए, अगर वो चाहते हैं तो हम बार के खोलते हुए यहाँ आएंगे, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे फिर लाजमी तौर से यहाँ के लोगों को भी पूछना पड़ेगा, और यहाँ तो कहते ही है कि सब कुछ ठीक है, तो ऑब्वियसली लेट द पीपल डिसाइड। हो सकता है सारा पीओके लेके हम सब एक वो मोदी जी का वो अखंड भारत बनाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोगों से पूछा जाए, गुंडा तक से होगा नहीं। मेरा एक सवाल पहले सर, मालूम है कि आपकी पार्टी को 30 सीटें मिलती हैं और बीजेपी अलायंस को भी 30 मिलती है, एनसी कांग्रेस को भी 30 मिलती है, तीनों को तब आप सब क्या करेंगे सरकार बनाने? सर मुझे एक सवाल, मेरे फिलहाल सर
मैं सारी चीजें आपको जरूर बताऊँ, मैं वो करूंगा जिससे कश्मीर में लोग कब्रों में लेके लोग हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं उनकी रूहें भी खुश हो जाए क्वींस की, क्योंकि धूल धूल में बनानी पड़ेगी ना किसी तो आपको परेशानी आएगा। वेट करो, अभी भी एलजी चला रहा है, वेट करो, अगर आपको सीएम बनने आप मसला है कश्मीर कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद हालात काफी सुधर गए हैं। वो एक जरूरी सवाल है, वो इसे किसी को कुछ कुछ कह रहे हैं आप चोर चोरी करते पड़ा जाए उन्हें कश्मीर खाता है। आप भी चलते हम भी चलते हैं, अगर हालात सुधर गए होते तो हजारों कश्मीरी जेल में बंद होते। आप में से कितने जर्नलिस्ट थे जिनको पी एस सी लगाया गया, यहाँ कितने लोग हैं जिनकी वो खेल से मिले बगैर कुछ पूछा, यहाँ बाहर कोई पासपोर्ट नहीं जा सकता, मीडिया चैनल कंट्रोल नहीं करेंगे। फिर आपने जमात साहब की बात की, देखिए एम्प्लॉयमेंट लेकिन एक मिनट यार, लेकिन ये इंजीनियर ही है यार का सवाल है। मैं छोटा आदमी हूँ, मैं शीशी का है कि बात दिल त्यार पर डिकेशन हुई ताकि चपल अल्लाह रसूल हुआ ये भी क्या बुद्धि लात है ये ड्रामा का। मैं इसमें ये कसूर हूँ कि गौ बदल इन खतरजात पर नहीं कि कैसे ये लगभग इन पर नहीं कर गुजरी। तो मेरा मतलब है जमात हो, खुरियत हो, बाकी लोग हो, उन्हें भी मुझ पर सवाल करने का हक है, पीछे भी करते थे ना सारे, मौका आएगा तो हमें उनसे भी कुछ बातें करनी है विद ऑल रिस्पेक्ट, लेकिन वह पब्लिक डोमेन में नहीं बनना। जमात की क्यादत बाकी लोग मीर भाई साहब कुछ बातें हैं जो कश्मीर के इंटरेस्ट के हैं, हो सकता है प्रॉपर टाइम हम उनसे बात करेंगे कि मुझे ये बातें हैं मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए, क्योंकि आई सिटल सी डिस्पाइट एवरी थिंग जमात साइन फार बेटर देन एन सी पी वी एंड अदर्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव रिसीव्ड टू मेनी आंसर्स फ्रॉम देम, लेकिन वो घर की बात है पर्दे नहीं करेंगे। सर मसला है कश्मीर हल करने का आपका रास्ता क्या है? जवाब दिया सर, लोगों से पूछा गया।